दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 15 अगस्त के बारे में एक ऐसा भाषण जो आपको झकझोर कर रख देगा और बहुत ही शानदार भाषण है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं प्राइज वगैरह जीतना भी चाहते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, ग्रामवासियों एवं छोटे बड़े सहपाठियों, साथ ही हमारे भारत भूमि के वीरों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि हम सबों को पता है कि हम लोग आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज हमें आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए और हम लोग आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 1947 से पहले हम लोग लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में भारतीयों पर अत्यंत जुर्म किया, भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर उस पर जुर्म करना, खेती पर तरह तरह के कर व नियम लगाना, खिलाफत करने पर कठोर सजा देना उनके लिए तो मानो आम बात थी। अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए थे, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। परंतु जब यह अत्याचार हद को पार कर आगे बढ़ने लगा तो भारत माता के वीर सपूतों ने डटकर सामना करना चाहा। आज़ादी की पहली लड़ाई हमने सन 1857 ईस्वी में छेड़ी थी, परंतु उस समय भारतीयों में एकता न होने के कारण हम जीत नहीं पाए। परंतु भारतीयों के दिलों में धधकती ज्वाला शांत नहीं हुई। उसके बाद लगातार हमने अंग्रेज़ों का संघर्ष किया, कई बार विजय तो कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड को पूरा देश आज भी नहीं भूला, जब एक सभा के दौरान हजारों व्यक्ति जालियांवाला बाग में मौजूद थे, परंतु उस समय के वायसराय लॉर्ड चेम्फर्ड ने जनरल डायर को सैकड़ों सैनिक के साथ भेजकर बाग में हमला करवा दिया। बेचारे निहत्थे भारतीय क्या कर सकते थे, कईयों ने जालियांवाला बाग के कुएं में तो कईयों ने अंग्रेज़ों की गोली खाकर अपनी प्राण गंवा दी। इस 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार का बदला 13 मार्च 1940 में नवयुवक उधम सिंह ने इंग्लैंड पहुंचकर जनरल डायर को मौत के हवाले किया और पूरे देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया। इसी पर एक शायरी है, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। आज़ादी की राह पर अग्रसर रथ को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, खुदीराम बोस आदि ने संभाला। इन्होंने कई बार जेल का रास्ता तो कई बार मौत के मुख को देखा, लेकिन मौत को देखकर कभी नहीं घबराया। उनके साहस, शौर्य और वीरता के सामने स्वयं मौत ही घबरा गई। सच ही कहा गया है, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अंग्रेज़ों को उनकी औकात दिखा रहे थे और उन्हें भी लग रहा था कि अब हमें हार कर भागना ही पड़ेगा। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था। अधिवेशन लाहौर के रावी नदी के तट पर चल रहा था। उस समय रावी नदी के चंचल लहरों ने भारतीय वीर सपूतों को ललकारा और कहा कि तुमसे तो अच्छा वह पंछी है जो आकाश में उड़ता है और स्वतंत्र जश्न मनाता है। इस कठोर वाक्य से वीरों के धधकती आग को और तेज ज्वाला का रूप दे दिया और इसी ज्वाला ने सन 1947 को हमारे देश का इतिहास लिखा। फिर 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को सभी अंग्रेज़ों को सात समुद्र पार खदेड़ा गया और 15 अगस्त 1947 के सुबह हमारा तिरंगा सूर्य के लाली में शेषनाग की तरफ फन उठाए लहरने लगा और हम सब आज़ाद हो गए। जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा की धारा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है। यह मजहब में जहाँ मजहब में भाईचारा है वो भारत वतन हमारा है। हाँ हम आज़ाद हुए, परंतु हमारे भारत माता के कलेजे के टुकड़े को दो भागों में बांट दिया गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान।
15 अगस्त के दिन सभी स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा फहराया जाता है। लोग तिरंगे को सलामी देकर अपनी गलतियों को न दोहराने की कसमें खाते हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर हमारा यशस्वी तिरंगा लहराते हैं, सेनाओं का परेड होता है तथा सभी सेनाएँ अपने बल पराक्रम दिखाते हैं। इस दिन स्कूल व कॉलेजों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, हम आज आज़ाद हैं, परंतु अभी भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कई सारी सामाजिक, राजनीतिक और आदि बुराइयां उपलब्ध है, जिन्हें हम सब को मिलकर ख़त्म करना होगा। तब जाकर हम सभी गांधी, नेहरू, सुभाष आदि के सपनों का भारत बना पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु मैं अपने वाणी को इन चंद शब्द के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में मत बांटो हमें, लाल हरे रंगों में मत बांटो हमें, हर छत पर एक तिरंगा रहने दो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।